बड़े दिनों बाद मुझे ये ख्याल आया कि YouTube के गलियों में एक चक्कर लगाता हूँ। तो आज के वीडियो का टॉपिक आप समझ गए होंगे टाइटल से देख कर ही। तो सबसे पहले कुछ पुरानी बातें करते हैं। एक पुराना मेरा आदत था तकरीबन 2017 और 2016 और उसी दौरान उससे पीछे आगे नहीं, तो मुझ में एक आदत था कि मैं हर काम स्टार्ट करता था और उसे बीच में ही छोड़ देता था। और फिर वक्त के साथ साथ ये आदत ख़त्म हो गया। ये आदत ख़त्म नेगेटिव तरीके से हो गया, वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले मैं कोई काम स्टार्ट करता था और बीच में छोड़ देता था। जब ये आदत ख़त्म हुआ तो मैं कोई काम स्टार्ट ही नहीं करता था। बहुत टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, तकरीबन 2017 के बीच से, यानी कि तो आप लगा लो कि 2017 के जुलाई से लेकर इस YouTube चैनल के स्टार्ट करने तक, यानी कि 2019 तक, इस बीच में मैं क्रिएटिव कुछ नहीं करता था। मैंने सोचा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये मुझे किसी ने बताया था, स्पेशल थैंक्स, वो वीडियो देख रहा होगा मुझे पता है। देखो भाई, एक बात क्लियर है कि कुछ काम स्टार्ट करना और उसे बीच में छोड़ देना एक बुरी आदत है, लेकिन कुछ काम स्टार्ट ही नहीं करना वो तो उससे भी बुरी आदत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से वो आदत को एडॉप्ट कर लूँगा, तो उसको मैंने एडॉप्ट कर लिया। अभी भी मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, बीच में ही छोड़ दिया। ये आदत को इसलिए मैंने फिर से एडॉप्ट किया कि इस आदत ने मुझे बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं मेरे पास्ट में। मुझे ये लगता है कि जितना मैं जानता हूँ, वेब डेवलपमेंट में जानता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानता हूँ, वीडियो एडिटिंग जानता हूँ और कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स जानता हूँ, वो सब उसी आदत के वजह से। तो इस आदत को इसलिए मैंने फिर से अडॉप्ट किया और अब यह कोशिश ये है कि इस आदत को बेहतरी की तरफ लेके जाए, यानी कि कुछ काम स्टार्ट करें, उसको कंटिन्यू किया जाए। तो ये हो गई कुछ पुरानी बातें नई बातों के साथ। तो आते हैं मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल के बारे में। असल में ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल नहीं, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले मुझमें एक आदत था कि मैं कुछ काम स्टार्ट करता था और उसे बीच में ही छोड़ देता था। तो उसी वक्त मुझमें सीखने का बहुत शौक था। YouTube में ट्यूटोरियल देखता था तो मुझे एक वीडियो नज़र आया कि YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया बलूच राज के नाम से, जिसमें मैंने कंटेंट ये सेलेक्ट किया बलूची, जो कि मेरा अपना जुबान है। जितने भी ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स हैं मेरे पास, उनको मैं YouTube में अपलोड करूँगा। तो 2017 में मैंने ये YouTube चैनल बनाया। उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि कॉपीराइट नाम की भी कोई चीज़ होती है भैया। तो मैंने वीडियोस अपलोड किए, चैनल का थोड़ा बहुत ग्रोथ भी हुआ और फिर मुझे ये मसला आया कॉपीराइट वाला, मैंने इसको भी बीच में छोड़ दिया। यानी कि ये बलूचराज YouTube चैनल जो है, ये मेरा पहला YouTube चैनल है, दूसरा नहीं है। और फिर जब मैं दुबई में था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे ये आइडिया आया कि मैं बुक्स पढ़ूँगा और बुक की समरी बनाऊँगा और उनको बलोची में शेयर करूँगा। तो इस आइडिया को मैंने लिख कर सेव कर लिया और फिर मैंने एक वीडियो देखा जो कि बलोची मीडिया से रिलेटेड एक बंदे ने वीडियो बनाया था, इसी कॉपीराइट वीडियोस के हवाले से, कि भाई वीडियो अपने बनाओ, कंटेंट अपने बनाओ, दूसरों के कॉपीराइट अपलोड नहीं करो। मेरा ये कोशिश ये है कि मैं अपने लाइफ में थोड़ा रियल हो जाऊँ। इसी चक्कर में मैंने उस सारे कॉन्टेंट को डिलीट किया और मैं वहाँ पर बलोची में बुक समरी या आर्टिकल पढ़ूँगा, उसको समराइज करके शेयर करता हूँ। उसमें मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए, उसको भी मैंने बीच में छोड़ दिया। उसकी वजह क्या है ये मैं बता चुका हूँ कि मुझे थोड़ा अपनी लाइफ में रियल होना है। अगर मैं सेल्फ डेवलपमेंट टॉपिक पर एक वीडियो बना रहा हूँ तो उसका मेरे लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो यानी कि मैं फेक हूँ। जो कैमरे के सामने हूँ वो दूसरा हूँ, कैमरे के पीछे कोई और हूँ, तो ये मुझे नहीं बनना। तो जो मेरे लाइफ में रियल होगा मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको स्टॉप किया और इसको कंटिन्यू भी करूँगा। ये हो गई कुछ बातें मेरे YouTube चैनल की, जो कि मैंने सेकंड YouTube चैनल नहीं है, मेरा पहला YouTube चैनल है, लेकिन अब सेकंड बन गया है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरा मेन चैनल है। तो ये हो गई मेरी कुछ पुरानी बातें प्लस आदतें और प्लस मेरे सेकंड YouTube चैनल के बारे में। अब आते हैं मेरे वेबसाइट की तरफ। जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें मैंने बताया था कि मैंने ये वेबसाइट मैंने अपना बनाया है एक इंस्टाग्राम पर कोड पढ़कर, उससे इंस्पायर होकर ये वेबसाइट बनाया। अब वेबसाइट में भी मुझे कंटेंट डालना है। मैंने ये इरादा किया है जो मैं बुक पढ़ूंगा उसको समराइज़ करूंगा, या आर्टिकल पढ़ूंगा, या कोई टॉपिक पढ़ूंगा, या कोई उसको समराइज़ करके अपने वर्डिंग में एक ब्लॉग पोस्ट बनाकर अपने वेबसाइट में अपलोड करूंगा। तो ये थे मेरे वेबसाइट, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा पास्ट, ये थे 3 टॉपिक। जो कि आज का वीडियो बहुत बोरिंग था, लेकिन उसका इंट्रो अगर आपको लगता है कि मैंने इरफान जुनेजो की नकल किया है
तो बिल्कुल उसको मैंने कॉपी किया है, वो पीछे उसका वीडियो भी चल रहा है, तो उसी से इंस्पायर हुआ हूँ, तो उसको कॉपी करना तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब, तो बाय बाय। इस वीडियो को एडिट करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कट लिए।